आज आपका स्वागत है मनीष मैथ्स की क्लास पे। जैसा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, और कल हम लोगों ने 40 टॉप 20 क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चन देखा था। अब अगला हम लोग का टारगेट है, अगला हम सेट कर रहे हैं एज का, ठीक है। अगला जब भी हम सेट करेंगे तो एज का रेशियो में सेट कर रहे हैं, और इधर हम लोग देख रहे हैं घातांक करनी। क्या देख रहे हैं? घातांक करनी। एक सवाल बाबू यहां से कभी कभी फिक्स है, जीडी से लेके हर एग्जाम में आता है, ठीक है। घातांक करनी एक क्वेश्चन फिक्स है कि हमारा किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे उसमें मेंस में चाहे इसमें, आता ही आता है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखना स्टार्ट कर रहे हैं। घातांक करनी, घातांक करनी में इंसिडेंस और सर्ट्स बोलते हैं इसको, इंडेसेस और सर्ट्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आता है घात, ठीक। क्या आता है? घात। घात को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और आज की दुनिया में सारी लड़ाई किसकी है? पावर की। जिसके पास पावर नहीं है उसका शोषण हो रहा है और होगा, इसलिए हम और आप सब मिलके किसके लिए लगे हैं? पावर गेन करने के लिए। हम पावर गेन कर लें कि हमारा शोषण ना हो। नहीं तो देख लो, कभी किसी देखे उस स्कॉर्पियो वाले को, बीएमडब्ल्यू वाले को, चाहे फॉर्चूनर वाले को, कोई मार पाया है? नहीं। मार कौन खाता है? ठेला वाला, रिक्शा वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, ठीक। तो आज सारी लड़ाई हम लोग किस पे पढ़ेंगे? पावर पे। घात, घात क्या होता है? जैसे समझ लो, दो पे पावर अगर तीन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दो का गुणा कितनी बार? तीन बार। इस तीन दो को तीन बार लिखने से, दो को तीन बार लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दो पे पावर तीन, उसी की आवृत्ति को हम लोग लिखते हैं तीन, और इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक और करनी। बात समझ आ गया? घातांक। करनी क्या होती है अभी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं घातांक के नियम। सबसे पहला है घातांक के नियम, लाइन से देखते चलना है। घातांक के नियम, घातांक के नियम देखिएगा। घातांक के नियम क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला चलिए, घातांक के नियम में सबसे पहला नियम है, वो सबसे पहला नियम कौन सा है? तो अगर सबसे पहले नियम की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जैसे आधार क्या हो अगर बराबर है। आधार क्या है? बराबर। ये आधार है और ये बराबर है। आधार क्या है? बराबर। मान लो m हो गया, यहां पावर n हो गया और यहां पावर l हो गया, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम इसको इसको क्या बोलते हैं? आधार एक ही लिखेंगे और ये पावर अगर गुणा हुआ है तो घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बात समझ आ गया? ठीक, पहला नियम है, ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हम लोग ध्यान से देखते हैं। दूसरा नियम इसी का उल्टा, अगर ए पे पावर यम है और ए पे पावर यन है, अगर आधार बराबर है, क्या है? आधार बराबर है तो घाते आपस में क्या, अगर ये डिवाइड हुआ है, ये क्या हुआ है? डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? एम माइनस यन, ठीक, एम माइनस यन। ये एक अलग है, ठीक। दो नियम हुआ। इन दोनों नियम को ध्यान से देख लीजिएगा। जब आधार बराबर हो, गुणा का साइन हो, तो घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। दूसरा ये है। अगला देखते हैं तीसरा नियम, इसका क्या है? तो जो तीसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम है, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए पे पावर यम और ब्रैकेट लगा के यन लिखा हो, ब्रैकेट लगा के एल लिखा हो, कुछ इस तरीके से हो, ठीक, तो इसका मतलब है ए पे पावर एम इंटू यन इंटू एल, ठीक। जैसे लिखा हो दो पे पावर दो और उस पे पावर तीन, एक बात ये है, तो ये लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा दो पे पावर आठ, आठ होगा। ध्यान से समझना, छह नहीं होगा, एकदम दिमाग से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, क्योंकि यहां ब्रैकेट नहीं है। लेकिन यही दो पे पावर दो और इसके बाहर अगर तीन लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? तीन दूना छह। यहां पे ये नियम ले गए तो हम लिखेंगे दो पे पावर क्या हो जाएगा? छह। बात समझ आ गई? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? ये दो के पावर आठ होगा और ये दो के पावर क्या होगा? इनटू होगा, ब्रैकेट लगने की वजह से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे,
ये कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, अभी बातें बहुत कुछ समझ में आएंगी। तो तीसरा नियम है, अगर ये आधार है और इसमें ब्रैकेट के साथ अगर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक कोई दिक्कत, देख लीजिएगा किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला चलते हैं, अगले नियम, तीन नियम हुआ, अगला देखते हैं चौथा नियम, ठीक है। चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम कहता है जैसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो और इस पे पावर क्या हो, यन हो, इस पे पावर क्या हो, यन हो, तो इसमें नियम कौन सा लगता है, ए पे पावर यन इंटू बी पे पावर यन इंटू सी पे पावर एन इंटू डी पे पावर यन। ध्यान से बात समझ लेना, ठीक, ए पे पावर यन, बी पे पावर यन, सी पे पावर यन। जैसे अगर याद करो घातांक करणी का सवाल था, घातांक करणी नहीं, जब हम लोग क्या निकाल रहे थे, कुल गुणनखंडों का गुणनफल, तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे दो पे पावर तीन, तीन पे पावर एक और पांच पे पावर दो, सपोज कर लो इस तरीके से होता, ठीक, और कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ देता था। तो अगर इसमें कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, चार दो तीन बारह, बारह बारह दूना चौबीस, और चौबीस को हम किससे काटते थे, दू से, तो ये कितना आता था याद करो, बारह, तो बारह अंदर जाता था कि नहीं जाता था, तो दो पे पावर वही कम हुआ है, दो पे पावर यहाँ बारह थी यहाँ छत्तीस, और यहाँ तीन पे पावर बारह, और यहाँ पांच पे पावर क्या होगा, चौबीस, तो वो इनटू होगा। जैसे अगर मान लो छह है और छह पे पावर सात है, एक अलग एग्जांपल है, ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, दो गुणे तीन, तीन पे पावर कितना, सात, तो हम लिखेंगे दो पे पावर सात गुणे तीन पे पावर सात। बात समझ आ गई, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, इसको बांटना कहते हैं, ठीक है, बांटना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी सवाल पे आएंगे तो परेशान मत होना अभी तुम लोग, अभी तो अभी स्टार्ट हो रहा है खेला, ठीक है, अभी ज्यादा परेशान, आज कितना हो गया, चार टाइप हो गया ना। ये पांचवा नियम देखो, पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम कहता है व्युत्क्रम का नियम। पांचवा नियम कौन सा है, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर ए पे पावर यम है और इसको मुझे बट्टे में लिखना है तो हम ए पे पावर क्या लिखेंगे, माइनस है, यही है व्युत्क्रम का नियम। अगर नीचे ए पे पावर क्या है, यम है और हमको इसको ऊपर लिखना है तो ए पे पावर माइनस क्या लिखेंगे, इसी का सहारा लेके याद करो, इसी का अभी सेकंड नियम पढ़े हो, ए पे पावर यम और ए पे पावर यंग, आधार बराबर रहे तो यही नियम का फॉलो करता है, एम इंटू हम लिखते हैं ए पे पावर माइनस यंग, आधार बराबर रहे, गुणा का साइन रहे तो नियम लगेगा ना, जुड़ेगा, और ये जुड़ने जाता है तो माइनस यन रहता है, तो यही क्या आ जाता है, यम माइनस यन। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो, अगर कॉन्सेप्ट बच्चा समझ में आ गई ना तो सही बता रहे हैं, जिंदगी सवर जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया तो तुमको रोने से भी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझो, हर चीज बारीकी से समझो, ये क्लियर है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों वाइस वर्सा है, ये अलग है और ये अलग चीज है, ठीक, तो ये चीज को ध्यान से समझ लेना। यहां बात समझ में आ गई, ये तो पहला नियम है इसका। अगर दूसरा नियम की बात करूं इसके में, तो दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे ए पे पावर बी है और इस पे पावर मान लो माइनस यन लग गया, माइनस यन लग गया, क्या लग गया, माइनस यन, और मुझे इसको अंदर चेंज करना है, तो हम अंदर क्या करेंगे, जब ये माइनस हटाओगे तो पलटी मार दोगे, क्या कर दोगे, पलटी, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई ए, और यहां क्या हो जाएगा, यन, तो ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। बात समझ आ गई, ठीक, इसको हटा रहे हैं, ठीक, ये हट गया, तो ये एक अलग सेक्शन है। बात समझ आ गया, चले ना, जब उसके साइन को बदलना होगा तो वो तुरंत क्या कर देगा, पलटी मार देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, ये हो गया पांच का दूसरा नियम, अगला देखिएगा, आगे बढ़े, अगला देखिएगा, अगला नियम है छठवा, जो है छठवा नियम क्या कहता है, छठवा कहता है सर कि अगर किसी भी संख्या पे घात कैसा लग जाए, जीरो, तो उसका मान क्या होगा, अच्छा ये बताओ ये जीरो लगता कैसे है, जीरो लगता है दूसरे नियम के बेस पे, जैसे दो पे पावर क्या हो जाए, छह, और सेम दो पे पावर क्या हो जाए, छह, तो हमने पढ़ा है ना
कि ये छह में से छह जाएगा तो दो पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो, और अगर हम इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा, एक। तो ये कॉन्सेप्ट जीरो वाला कैसे आया, सेम आधार रहे सेम घात रहे तो ही ये आता है, नहीं तो स्पेशल नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, जीरो पावर आया कैसे, जीरो कभी नहीं आता है, जीरो कब आता है जब आधार बराबर हो जाए और घात बराबर हो जाए, बात समझ आ गई। तो ये चीज याद रखिए, जीरो पावर आता कैसे है, सीधे उसके पावर चेंज करने पे, बात समझ आ रहा है, चले आगे, ठीक, ये नियम क्लियर है। अगला अगला नियम देखिएगा, सातवां जो है, सातवां नियम कहता है आपसे कि अगर x टू द पावर n है और यहां मान b है, तो आप x बराबर अगर ये n हटाना चाहते हैं तो पावर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, पावर में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, ध्यान से समझना, जैसे अगर बोल दिया जाए गुरु एक्स स्क्वायर पे पावर कितना है, 64, ठीक, एक्स स्क्वायर पे पावर क्या है, 64, और मुझे एक्स का मान चाहिए, तो आप 64 पे पावर क्या करोगे, 1/2, और 1/2 करोगे तो ये 8 का स्क्वायर बनेगा और बाहर 1/2, ब्रैकेट के साथ है तो 8 पे पावर 2 गुणे 1/2 क्या होगा, 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आएगा, क्लियर है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, आगे बात समझे, ये क्या है, अगर हटाना है, इसको अगर हटाना है, पावर को हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 1/2 करना पड़ेगा, क्लियर है, 1/2 करना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, अगर यहां तक कुछ लग रहा हो तो, ठीक है, चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यही है हमारा घूम फिर के किसका नियम, घातांक का नियम, ठीक, बस इतना ही नियम है घातांक में, और इसी पे सारा बवाल स्टार्ट होता है, घातांक पे है, ठीक। अब चलते हैं आगे, देख रहे हैं करणी का नियम, किसका नियम, करणी का। देख गुरु, करणी कुछ नहीं है, करणी कुछ नहीं है, करणी क्या कहता है, एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन मतलब कह ले तो, बाउंडेशन मतलब एक क्या कहते हैं, घर पे जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, घर वाले बाउंडेशन लगाते हैं, उसको हिंदी में शुद्ध क्या बोलेंगे, जैसे रोक टोक, सीधा कह ले इसको, करनी क्या है, एक रोक और टोक है। रोक टोक कैसा है, ये ध्यान से समझना, ये कहती है कि अगर वर्गमूल है, क्या है, वर्गमूल है, तो भैया तुम यहां अगर वर्गमूल है तो कुछ साइन नहीं रहेगा, नहीं है तो ये समझ लीजिएगा ये क्या है, वर्गमूल, वर्गमूल है तो ये सीधा कहती है दो का जोड़ा बनाओ निकल जाओ, रोक टोक है कि तुम दो का जोड़ा हो गया तुम निकल जाओ, और अगर मुझे इसको भिन्न के रूप में दिखाना है तो हम 1/2 क्या लिखेंगे, 2, बात समझ आ गई। अगर ये घनमूल है, ध्यान से समझिए, ये बेसिक है, अभी चैप्टर शुरू नहीं हो रहा है, अगर बेसिक घनमूल है तो 1/2 क्या लिखना पड़ेगा, 3, अगर मुझे रूट हटा के ये लिखना है तो, ठीक, रूट हटा के लिखना है तो ये हमको लिखना पड़ेगा। अगर घन मूल में मान लो 7 हो गया तो यहां हमको क्या करना पड़ेगा, 1/7, ठीक। अब घातांक करणी के सवाल में एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लेना, वो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, वो सीधा एक ही स्लाइड में लिख रहे हैं और खूब मोटा सा, कि घातांक, ठीक है, क्या है, घातांक करणी के सवाल में घातांक करणी के सवाल में मोटे अक्षरों में लिख लो, जैसे हम लिख रहे हैं, आधार बराबर होना चाहिए। अगर ये पकड़ने में तुम कामयाब हो गए, आधार क्या होना चाहिए, बराबर। अब किसका आधार सारा बन रहा है ये देखना, आधार बराबर होना चाहिए, अगर ये काम हो गया तो समझ लो तुम्हारा सारा बवाल खत्म। अगर घातांक करणी का 90% बच्चों की बीमारी क्या होती है, कि वो ये बेसिक जानते ही नहीं है। घातांक करणी का बेसिक क्या है, क्या सेम होना चाहिए, आधार, जितना छोटा कर सकते हो मेरे भाई, 2 का 3 का जितना नीचे सोच सकते हो, जैसे कहा जाता है बड़ी नीची सोच है, उतनी ही रखना, तो ठीक है, बड़ा मत देखना, घातांक करणी चैप्टर में बड़ा मत देखना, ठीक।
कुछ लोग मन मन में मुस्कुरा रहे होंगे जिनकी सोच नीची होगी, तो इतना नीचा मत रहना, ऊपर आ जाओ। थोड़ा सा क्या कहने का मतलब है, आधार को हमेशा छोटा करने की कोशिश करना, ठीक, जितना छोटा सोच सकते हो। घतांग करनी चैप्टर में अगर आधार तुम पकड़ने में कामयाब हो गए बराबर करने में, तो चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर चैप्टर बवाल मचाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं बेसिक से सवालों पे, कैसे सवाल एग्जाम में आएंगे या फिर हमको दिखेंगे, ठीक। जैसे अगर बेसिक सवाल से करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास सवाल आ जाएगा, अरे चलिए मंद मंद मुस्कुराए मत मुस्कुराए, ठीक है। अब चलिए सवाल आ जाता है, सपोज कर लो कि 5 पे पावर 1/4 गुणे और 125 पे पावर 0.25, ठीक। अब यही सवाल है, तो ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप पैनिक मत होइए। सबसे पहला हमने क्या बताया, क्या होना चाहिए, आधार बराबर होना चाहिए। हम चिल्ला चिल्ला के उसको हमेशा दिखाएंगे, तो ये बताओ यहां आधार क्या है, यहां आधार क्या है, क्या 5 का पा सकते हैं हम लोग, 5 मिल सकता है, मिलेगा, कैसे मिलेगा, 5 पे पावर 1/4 कर दें और यहां 5 पे पावर 3 कर दें और बाहर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, तो हम यहां हो जाएंगे 1/4, तो ये आएगा 5 पे पावर 1/4 गुड़े, ये गुड़ा होगा कि नहीं होगा, बोलो गुड़ा होगा ना, ब्रैकेट लगा है, तो 5 पे पावर 3/4। आधार बराबर है तो घाते जुड़ेंगे, आधार बराबर है तो गुणा है तो घाते, पहला नियम, जुड़ेंगे तो 5 पे पावर 1/4 + 3/4, तो 5 पे पावर अगर ये 4 हो गया तो 4 से 4 गुरु कट जाएगा, तो आंसर 1, तो आंसर क्या आएगा 5 पे पावर 1। बात क्लियर है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, अब इससे ज्यादा गिर के नहीं चल सकते, ठीक है, अब इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता। अगला लिखिएगा, जैसे एक सवाल है, आगे बढ़े, ये क्लियर है ना। और देखो घतांग करनी सवाल पीपीटी लग के नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर ओवर का खेल है और बहुत ज्यादा टाइपिंग दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको सीधा ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। अब 1 पे पावर 216 और मान लीजिए बाहर कितना कर दें, -2/3 बेसिक है, और यहां डिवाइड और यहां क्या कर दें, 1 पे पावर यहां पे 27 और बाहर कर दें पावर -4/3। बातें हैं, यही है। अब इसको देखो, डरना मत, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत लोग डरते हैं, डरना नहीं है, हमको क्या बोले, हम तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नियम को मत भूलना, नियम को मत भूलना, कुछ भी हो जाए नियम को मत भूलना। यहां कौन सी साइन है भैया, देखो यहां कौन सी साइन है, कौन सी साइन है, माइनस, और माइनस साइन रहेगा तो मैंने क्या बोला, पलटी मारेगा, पलटी मारेगा, पलटी मरवा दो 2/4, अरे गोरखपुर वाले हो, पलटी वाले तो बहुत तेज मारते हैं गोरखपुर वाले, तो ये कितना हो जाएगा 216 पे 2/3 और यहां क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये कितना हो जाएगा 27/4/3 हो जाएगा। ये पलटी मारने में ही गोरखपुर तेज है, और कोनो चीज में नहीं तेज है, ठीक है, आज इस पाले में तो कल उस पाले में खड़े मिलेंगे, ठीक है, बस यही फर्क है। अब यहां पे ये किसका क्यूब है, अब देखो हमने कहा बेसिक पकड़ना, बेसिक, ये जितना नीचे रहेगा वो जरूर अंदर उतना बनेगा, क्यूब है ये, किसी का क्यूब है, तो 6 का क्या बनेगा क्यूब, बाहर 2/3, मूल मंत्र तुमको दे रहे हैं ये सब, ये अगर 3 यहां है तो जरूर ये कटेगा, किससे कटेगा, अब ये चीज पकड़ो, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3 और 4/3, तो देखो गुणा होगा 3 से 3 कट गया। अब 6 कितनी बार आया, 6 × 6 और नीचे 3 पे पावर 4, अरे कपड़ा नहीं, सॉरी कपड़ा खोज रहे थे। अगला देखते हैं, यहां क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3, 3 × 3 × 3 × 3, क्लासरूम वाला याद आ गया, देखो कभी कभी आधा छूटती नहीं है, जैसे कल हो गया 4/9, ठीक है, कितना आ जाएगा 4/9, बात क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/9। आगे बढ़े, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा सवाल अगला,
बताएं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर, ठीक। अब अगला है, जैसे अगला सवाल, अगला टाइप जो करने चल रहे हैं हम लोग, उस टाइप को देखिएगा। अगला टाइप है थोड़ा सा, ये वर्गमूल का टाइप है। कितने का टाइप है? वर्गमूल का। जैसे सवाल समझिएगा, सवाल है पहला, अगर कह रहे हैं 0.0001 और यहां पे पावर, ये पॉइंट है 0.25। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल आ गया आपके एग्जाम में और कहा इसका सरल फॉर्म लिखिए, ठीक। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो घात है इसको भिन्न में करिएगा। चलिए भिन्न में करेंगे और इसको भी भिन्न में बदल दीजिएगा। तो एक बटा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 0 लिखेंगे, और बटा यहां क्या होगा, 1 बटा। मैंने आपसे बोला अगर ये जितना है उतना अंदर बनेगा, नियम पढ़ाया ना, तो हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 10 और यहाँ 4 और बाहर कितना, 1 बटा 4। बोलो, ब्रैकेट है तो 1 बटा 10 लिख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 × 1/4, 4 से 4 कट गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1। तो ये तो था एकदम बेसिक अप्रोच। अब पड़वैया अप्रोच देखो, पड़वैया अप्रोच क्या है? पड़वैया अप्रोच ऐसे होता है, देखो 0.0001 और हम लिखेंगे 1/4। यहां जितना रहेगा उतने का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना, कितना जोड़ा बना? 4 का कितना जोड़ा बना? 1 जोड़ा। और 1 जोड़ा बना तो वो 1 स्थान दशमलव का तय करेगा। अब ये किसका 4 बार गुणा करने पे 1 आता है? 1 का, तो आंसर हो गया 1। अब बताओ कोई माई का लाल है इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट देने वाला, ठीक। तो ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये तो बेसिक था, लेकिन ये क्या है, तुम्हारा बवाल है पूरा। चले 2-3 सवाल इस पे हम लोग करते हैं, 2-3 सवाल करके देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए अगला, ठीक है, अगला है, ध्यान से देख रहे हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला सेम इसी तरीके से 0.0081 और यहां लिख रहे हैं 0.50। क्लियर है, कोई दिक्कत? सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमको इसको भिन्न में करने का, तो हम करेंगे 0.0081 और यहां हो जाएगा 1/2। दो आया ना गुरु, अब 2 आया तो कितने का जोड़ा बना लोगे? 2 का जोड़ा बनेगा। अब ये सोच किसका 2 बार गुणा करने पे आया है, 81 आएगा, 9 का, 9 का गुणा करना है, 9 × 9, तो हम लिखेंगे 9 और 2 स्थान है तो 2 स्थान बाद दशमलव, 2 जोड़ा बना तो 2 स्थान, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9/100। देख लो ध्यान से, ये पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, अगला देख रहे हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सेम टू सेम इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देखो, कह रहा है 0.00064 पे पावर 2/3। 2/3, मैंने तुमसे कहा है कि जब भी नीचे क्या रहा, 3, तो ये सोचना किसका क्यूब बैठेगा। 3 है तो कितने का जोड़ा बना दूं? 3-3 का जोड़ा बनाऊंगा, और 3-3 का जोड़ा बना, जैसे 3-3 का जोड़ा बना, हम तुरंत इस चीज को क्या कर देंगे, ये किसका 3 बार गुणा करने पे आएगा, सोच लो, 4 का, और 2 जोड़ा बना तो 2 स्थान बाद होगा, तो 2 स्थान बाद हो गया, लेकिन बाहर कौन बैठा है अभी, स्क्वायर, वो तो हटा, बाहर क्या बैठा, स्क्वायर। अब 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16, और ये 2 स्थान है तो क्या स्थान हो जाएगा, 4 स्थान, ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसी को क्या बोलेंगे, आंसर, ठीक है। चले, जैसे जिसको ऑब्जेक्शन हो वो ध्यान से समझ लीजिएगा, 0.04 और 0.04 का गुणा करेंगे तो 4 × 16 होगा ना, और दशमलव का स्थान जोड़ लेंगे, 2, 2, 4 स्थान, तो 4 स्थान बाद हमको लगाना पड़ेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो हम उसी का कर लिए, क्लियर है। तो एकदम बेसिक के साथ इसको धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, तेज होगा
तो बता दीजिएगा, तेज तो नहीं ना है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं ध्यान से, x का मान ज्ञात करना। चले अगला देख रहे हैं, x का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x। अब कुछ लड़के ऐसे भी हैं कहते हैं फाइंड द वैल्यू, आप इंग्लिश में बोल दिए, जैसे कर्ण को हाइपरटेनस बोल देते हैं, तो हाइपरटेनस का है, कर्ण नहीं बोलनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात समझ लो यार, हम लोग बाइलिंगुअल हैं, इतने भी हम लोग नहीं है कि हम लोग थोड़ी सी इंग्लिश नहीं समझते हैं। फाइंड द वैल्यू का मान है, मान x का मान, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा जिनको दिक्कत है। तो अबे थोड़ा सा बाइलिंगुअल होना सीखो मेरे भाई, आज के डेट में नहीं सीखोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाय बाय लव यू बव यू लिखने में सब में तेज हो। ठीक है, आधी दुनिया अभी सोचो इतनी खतरनाक है, वो ये समझती है कि अगर आई लव यू का रिप्लाई देना है, आई लव यू का रिप्लाई देना है तो वो क्या देती है, आई लव यू टू देती है। देखो एक आदमी दे दिया, यहां टू, टू यहां रहने का मतलब समझती हो कितना बड़ा धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। इसका मतलब है मैं तुमसे भी प्यार करती हूं, मैं तुमसे भी प्यार करती हूं, यानी बेटा कि तुम्हारी भी काट रही है और किसी और की भी काट रही है। ठीक, तो ये चीज याद रखना। इसका रियल में क्या होगा, इसका रियल में होगा आई टू लव यू, समझ लो। ये वाला बेटा अगर बोल रही है तो वो सच बोल रही है तुमसे, गलत थोड़ी बोल रही है, तुमको से भी प्यार कर रही है और किसी और से भी प्यार कर रही है। और इसका मतलब क्या है आई टू लव यू का, इसका मतलब ये है कि बेटा मैं तुम्ही से प्यार करता हूं, सीधा समझो, मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करता। तो कोई तुमको आई लव यू टू बोलता है तो सतर्क रहना। ठीक, एक कई कई आशिक है एक साथ चार चार तो चिड़िया उड़ाते हैं। ठीक, तो चिड़िया मत उड़ाए करो। ठीक, अगला देखते हैं। चलो ये सब तो ग्रामर की बात हो गई, जब ग्रामर पर डिस्कशन होगा तब, अगर भाई तभी हम लोग ग्रामर कभी डिस्कशन किए तब बात होगी इस पर। अभी हाथ आते हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, आ जाइए एक्स का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, कहां से हम लोग कहां चलेगा ना, ऐसी टॉपिक आती है क्या करोगे, छेड़ जाती है और छेड़ देते हैं दो चार तो बच्चे बैठे रहते हैं। तो अब यहां है, तो जैसे अगर बोल दिया 2 पे पावर 6x माइनस 3 और इज इक्वल टू 8, तो x का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्नों में सीधा क्या बराबर होना चाहिए, आधार, सीधा समझो, मैंने तुमको समझा दिया है आधार बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 2 पे पावर 6x माइनस 3 और ये 2 पे पावर 3 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या है 3x और ये 3, तो ये देखो यहां क्या है बराबर, ये यहां क्या है बराबर, आधार बराबर है, बराबर का साइन है, तो घाते भी आपस में बराबर होंगी। तो सीधे हम लिखेंगे 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, बोलिए होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां से 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो हम लिख सकते हैं यहां पे x इज इक्वल टू 6 बाय 6 और काट लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान कितना आएगा 1। बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, ये बहुत ज्यादा सवाल आता है इस तरीके का। ठीक ना, हो तो एक और लिख लेते हैं, थोड़ा बढ़िया सा सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया, x का मान ज्ञात करिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करिएगा, लिख लीजिएगा 2 पे पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 पे पावर, यहां 1 बाई 8 लिखना, 1 बाई 8 और x माइनस 3 पावर में लिखिएगा, x माइनस 3 सीधा पावर में लिखिएगा और x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब सेम ये सवाल करना। ठीक, कैसे करेंगे अब इस सवाल को देखिएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो ये है 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पे पावर 3 और बाहर में x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 2 पे पावर यहां 2x माइनस
वन इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वन बाई टू पे पावर थ्री एक्स माइनस नाइन, तीन तरीके नौ हो जाएगा। अब सेम ऐसे हमने तुमको बोला, ध्यान से समझो, हम ये लिख सकते हैं टू पे पावर टू एक्स माइनस वन, और इसको लिख सकते हैं वन पे पावर टू, और यहां लिख सकते हैं थ्री एक्स माइनस नाइन। अब ध्यान से समझ लो, यहां इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हैं ना। अब ये बताओ मुझे दो का रूप देना है, तो ये अगर पलटी मारेंगे तो माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक चीज है ये। तो हम लिख सकते हैं यहां पे टू पे पावर टू एक्स माइनस वन, और यहां लिख सकते हैं टू, क्योंकि ये पलटी मारे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस थ्री एक्स और माइनस माइनस प्लस नाइन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिएगा, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, ये बहुत तगड़ा सवाल है। चले तो हम इसको लिख सकते हैं ध्यान से, आधार बराबर है, बराबर की साइन है, तो घात भी आपस में बराबर होगी, तो 2x माइनस वन और माइनस 3x प्लस नाइन, तो 3x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये उधर चला जाएगा तो 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू दो, x इज इक्वल टू दो, पांच से काट देंगे ना, देख लो x इज इक्वल टू पांच से काट देंगे, पांच इज इक्वल टू दो, चले ठीक, तो x का मान हमको क्या मिला, दो, ठीक। चलिए नोट कर लीजिएगा ध्यान से, बहुत बेसिक चीज, ये चीज समझिएगा, जब भी ये पलटी मारेगा तो यहां माइनस साइन आएगा, ठीक, तो पलटी मारा माइनस आया तो माइनस थ्री हो गया, और वहां से सॉल्व किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसको आगे बढ़ाए ना, एक क्वेश्चन और इसी तरीके के, एक्स पे कर लीजिएगा, एक्स पे लिखिएगा थ्री पे पावर एक्स माइनस वन प्लस थ्री पे पावर एक्स प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू नब्बे, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, एक क्वेश्चन है। चलिए ये x वाली सीरीज हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, चले ना। अब ये सवाल अगर करते हैं तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से डील करिएगा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या होगा, देखो ये चीज समझो, ये बहुत से बच्चों को एकदम नहीं समझ में आता, ये एकदम बैलट होते हैं, इसमें समझ ही में नहीं आता, ठीक है। अगर ये सबसे कम पावर है कि नहीं, ये क्लियर है ना, कम पावर है, तो ये याद रखो कि अगर x माइनस वन और x प्लस वन है उसमें, इस तरीके से अगर x प्लस वन तक होगा, तो अगर ये कॉमन ले लेंगे तो ये दो बचेगा ना, तो अगर मैं ये ले लेता हूं थ्री पे पावर x माइनस वन, तो अगर मैं ये ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक, लेकिन यहां क्या बचेगा, जब मैं x माइनस वन पावर में प्लस टू जोड़ूंगा तभी तो x प्लस वन आएगा, बोलो, तो यहां हम अगर ये x माइनस वन कॉमन ले लिए तो ये दो बच रहा है ना, तो यही दो बचेगा, तो यहां पावर में तीन पे पावर क्या चढ़ जाएगा, दो, चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, देख लीजिएगा, और ये बराबर गुरुजी कितना हो जाएगा, नब्बे, नब्बे हुआ, तो हम यहां से लिखेंगे थ्री पे पावर एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा एक प्लस नौ बराबर कितना, नब्बे, तो यहां से हम लिखेंगे थ्री एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा दस, और ये बराबर नब्बे, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आएगा थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, ठीक। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, थ्री पे पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री पे पावर टू, ठीक। अब आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, आधार क्या होगा, जुड़ जाएंगी, तो जुड़ेंगी तो ये x माइनस सॉरी बराबर है तो ये इक्वल हो जाएंगी, x माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू, x का मान क्या मिलेगा, तीन, x का मान क्या मिलेगा, तीन। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या हमको करना, चलिए ठीक। अब यहां एक और अप्रोच हम लोग देख सकते हैं इस सवाल के लिए, सवाल लिख लीजिएगा, वो अप्रोच क्या है, वो ज्यादा इससे आसान पड़ेगा, तो उस अप्रोच को हम लोग देख रहे हैं। सवाल क्या था, सवाल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, थ्री पे पावर एक्स माइनस वन, और यहां हो जाएगा प्लस थ्री पे पावर एक्स प्लस वन बराबर नब्बे, वो अप्रोच क्या है।
अगर हम कह दें ये 3 पे पावर x है गुणे 3 पे पावर माइनस 1 है, ठीक माइनस 1, और यहां कर ले 3 पे पावर x कर दें और ये 3 पे पावर गुणे में 1 कर ले, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू 90। एक ये अप्रोच है, तो 3 पे पावर अगर x ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 पे पावर माइनस 1 प्लस 3 होगा इज इक्वल टू कितना 90। यहां क्या है 3 पे पावर x किया 1/3, क्योंकि ये बटा में जाएगा, हम कहे थे जब भी माइनस साइन हटाओगे गोरखपुर वाले पलटी मारते हैं बहुत तेज, तो पलटी मारेगा तुरंत, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर कितना 90। तो ये आ जाएगा 3 पे पावर x और ये कितना हो जाएगा 10/3 बराबर कितना 90। 0 से 0 कट गया तो ये 3 जाके गुणा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 पे पावर x और ये आ जाएगा 3 पे पावर 9, 2 था और ये 3 और चला गया, ठीक 9 9 3 27, तो 3 पे पावर x और ये 3 पे पावर 3 हो जाएगा। यहां ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इक्वल टू रहेगा क्योंकि इक्वल टू है, तो x का मान आधार बराबर है तो x का मान हमको क्या मिलेगा यहां से 3। अब इस अप्रोच में और इस टेक्निक में थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये समझना है कि अगर मैंने ये ले लिया तो ये x प्लस 1 पाने के लिए अगर ये मैंने कॉमन निकाल लिया यहां से तो यहां हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 2, और यही प्लस 2 यहां पावर में चढ़ रहा था। यही दोनों कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे जो है करनी की जो सीरीज आती है उसको हम लोग टच करने चलना है, करनी वाली सीरीज ध्यान से देखिएगा। करनी की सीरीज क्या कहती है ध्यान से देखिएगा, अगर करनी की सीरीज की बात करूं सीधा सीधा तो करनी में 2-3 सीरीज चलती है। एक होता है करनी के जो सवाल आते हैं, सबसे पहला करनी के क्वेश्चंस जो है वो देखिए कैसे आते हैं, करनी के क्वेश्चंस इस पे कैसे आएंगे। जैसे आपसे पहला सवाल ही पूछ दिया जाएगा यहां पे कि √12 + √12 + √12 कहां तक, अनंत तक। ये बात याद रखना, ये जब भी सवाल आएगा अनंत तक करके आएगा, कहां तक आएगा अनंत तक। मैं इसका बेसिक समझा रहा हूं और सीधे शॉर्टकट भी बता दूंगा। सीधा का शॉर्टकट क्या है, इसका ऐसा गुणनखंड ढूंढो 12 का, ऐसा गुणनखंड ढूंढो जिनके बीच का अंतर एक का हो, जिनके बीच का अंतर कितने का हो एक का हो, तो 4 और यहां क्या हो जाएगा 3, ठीक 4 3 हुआ। अब यहां जो साइन है वो बड़े वाले अंक के साथ रहेगा और उसके साथ जस्ट अपोजिट आंसर दोनों होगा। दिमाग से याद रखिएगा, आंसर दोनों होगा, एक आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं केवल 4 है, केवल 4 है, ऐसा नहीं है, आंसर दोनों है। मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कैसे। हम इस पूरे को मान लेते हैं x, तो ये आएगा √12 + √12 + √12 और कहां तक अनंत तक। तो हम अगर x स्क्वायर किए तो एक हटा तो ये हो जाएगा 12, और अगर एक समुद्र में से एक बूंद निकल गया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पूरे को क्या माने थे x, तो ये क्या बन जाएगा प्लस x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और माइनस इधर आएगा x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहां कितना होगा -4 और +3x और ये -12 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस क्या होगा 4 और यहां अगर 3 कॉमन ले लिया तो x -4 इज इक्वल टू 0 और x +3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में x -4 हो जाएगा, तो x का मान क्या क्या मिलेगा -3 और +4। ये याद रखिएगा, आंसर दोनों होता है, सीधी सीधी बात याद रखिएगा, आपको इतना नहीं याद रखना है, सीधा इसका आंसर क्या होगा +4 और निगेटिव में -3। अगर मान लो ऑप्शन इस तरीके से बन गया 3 4 -3 2 तब क्या करोगे, ठीक है 4, तब आंसर क्या मानोगे 4, ठीक। लेकिन ऑप्शन बन गया -2 -3 -4 -5, ठीक है, और यहां +3 कर देना, ठीक है। अब क्या मानोगे,
तो माइनस तो मार नहीं सकते, तब ऑप्शन में क्या मारना पड़ेगा, माइनस तीन। अगर दो तरीके पैटर्न पे ये ऑप्शन सेट किया जा सकता है, तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। यहां पे दोनों अगर आ गया ऑप्शन में तो ए और बी करके देगा, ठीक है, दोनों देगा, ये याद रखना, कॉन्सेप्ट गड़बड़ नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, मान लो यही सवाल, अब यही सवाल को अगर हमको उस तरीके से करना है तो उसको किससे करेंगे, ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा। अगला, अब जैसे इसका फॉर्मूला होता है, अगर कुछ किताबों में देखोगे तो कुछ लोग इसका फॉर्मूला लिखे हैं, वन प्लस कितना होता है यहां पे, कितना हो जाता है, फोर एक्स होगा शायद, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा वन प्लस, यहां रहता है वन प्लस फोर एक्स अपॉन कौन सा होता है, टू पर लिखे। ठीक, अगला देखते हैं, छोड़ी जा दीजिए, अगला क्या है, प्लस टू हो जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहां क्या है, रख लेंगे हम, अगर रखना चाहोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस, अगर ये क्या है बारह, तो यहां रखना चाहो, देखो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लेके नहीं चला जाता है कभी भी, अगर ये वन प्लस हो गया तो हम इसको कर देंगे, प्लस वाला ही लेके ये लोग चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एक प्लस बारह चौके अड़तालीस और बटा दो, तो ये उनचास हो जाता है, और यहां से बनता है एक प्लस कितना, सात बटा दो, और यही हो जाता है आठ बटा दो, और इसी को काटते हैं तो आंसर कितना आता है, पॉजिटिव वाला चार। ठीक, तो इसके चक्कर में मत रहिएगा, फॉर्मूले के चक्कर में। ठीक, आगे देखते हैं, एक आध सवाल और इस पे ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां क्या आ गया, आप सीधा सीधा बात समझिए, रूट तीस प्लस रूट में तीस प्लस रूट में तीस प्लस रूट में तीस और डैश 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 कहां तक, अनंत तक। तो दो बातें होंगी, तीस है इसका खंड बनाना, एक छह बनेगा और एक पांच बनेगा, साइन कौन सा है, प्लस, तो बड़े वाले अंक के साथ प्लस, तो इसके साथ माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, या तो प्लस छह या तो माइनस पांच, दोनों बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, दोनों। अगर फॉर्मूले वाले से करना है तो फॉर्मूले का क्या मान होता है, यहां पे याद रखना, वन प्लस फोर एक्स अपॉन टू हम रखेंगे, तो यहां मान अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वन प्लस और बाहर में यहां वन प्लस और तीस चौके एक सौ बीस और बटा नीचे कितना दो, तो ये आ जाएगा वन प्लस रूट में एक सौ इक्कीस बटा दो, तो यही आएगा वन प्लस ग्यारह बटा दो और ये हो जाएगा बारह बटा दो, यानी कितना, छह। सीधा याद रखिएगा आंसर कितना हो जाएगा, छह, ये वाला दे देगा तो पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर निगेटिव आ गया तो ये फेल कर जाएगा। अगर ऑप्शन में मेरे जैसा बनाने वाला रहा तो निगेटिव वाला देगा, प्लस वाला नहीं देगा, जाओ रो बैठ के जितना रो सकते हो, ठीक है, कोई बचाने नहीं आएगा तुमको। अगला लिखिए, लेकिन हम लोग को पेपर मिलेगा नहीं बनाने, समस्या ये है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। अब अगला है ये, तो अगर मान लिया 110 माइनस में, 110 माइनस में, आयोग भी जानते हो पेपर किसको देती है बनाने को, जो सबसे बिकाऊ इंसान होता है, तो अबे हम ही को दे दो ना, हमसे बड़ा बिका हुआ कौन है, हम तो खुल के कहते हैं आदमी ईमानदार तभी तक है जब तक उसको मौका नहीं मिला है लूटने का, ठीक है, जिस दिन मौका मिल जाएगा हम भी लूटेंगे तुम भी लूटोगे, और सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ता है कि हम ईमानदार है, हम ईमानदार है, कोई ईमानदार नहीं है, ईमानदार वही है जिसको अभी तक मौका नहीं मिला है लूटने का। अभी तुम भी चौकी पे चले जाओगे, थाना पे चले जाओगे, क्या करोगे, तुम ही लूटोगे, तुम ही दलाल बनोगे थाने का, और कोई नहीं बनता है, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे सिपाही ही दलाल बनते हैं थाने के, ठीक है। तो आदमी तभी तक ईमानदार है कि जब तक उसको मौका नहीं दिए हो, मौका दे दी तो फिर वो ईमानदारी गई, ठीक। चलिए अब यहां देखते हैं, अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे गुरु, खंड, क्या करेंगे, खंड, खंड करेंगे, तो खंड किया जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब इसका खंड करोगे तो ये होगा 11 और ये होगा 10, होगा 11 10 होगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहां कौन सा साइन लगेगा, जो बड़े वाले अंक के साथ है वो माइनस और यहां प्लस, आंसर यहां क्या होगा, दोनों, आंसर यहां क्या होगा, दोनों, ये चीज याद रखिएगा, यहां आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है, एकदम क्लियर से ये याद रहे, आंसर यहां क्या होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, अब इसका अगर फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो प्लस था तो प्लस लगाए थे आखिर में, यहां अगर क्या लगा दोगे, माइनस, प्लस में यहां क्या रहेगा, वही चीज, रूट में वन प्लस, ठीक,
हम लोग माइनस वाला देख रहे हैं, लाइट कट गई थी, थोड़ा उसको देखते हैं। असल बात चलता रहता है, थोड़ा बहुत लाइट कटती उठती रहती है, नहीं कटेगी तो पता कैसे चलेगा कि योगी सरकार है। ठीक है, चलिए आते हैं। अगर अब मान लो माइनस वाला आ गया तो माइनस को कैसे डील करेंगे? हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस वन कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, वन प्लस चार एक्स बटा नीचे क्या रहेगा टू, तो माइनस वन प्लस कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्लस एक सौ चार, एक प्लस चार सौ चालीस, और ये बटा नीचे दो, तो ये आ जाएगा एक प्लस कितना आ जाएगा, ये किसका चार सौ इकतालीस किसका है, इक्कीस, और ये माइनस में है बटा दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस बीस बटा दो, और इसको काट लेंगे तो आंसर दस। तो हमेशा पॉजिटिव वाला इससे आंसर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, बाकी आप इसका खंड करिए, ये सबसे बेस्ट है, सबसे छोटा है, सबसे आराम से हो जाएगा। ये कब लगाते हैं, जब अभाज्य संख्या आ जाए, जब क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया माइनस वाला हो गया। अब मान लीजिए अभी प्लस माइनस पे हैं, हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अगला मान लो जो हो, जैसे ये मान लिया हमारा आ गया रूट तीन प्लस रूट तीन प्लस रूट तीन प्लस रूट तीन। अब ये कैसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसको सॉल्व करना है तो या तो हम सीधे धर्चार्य लगाए, ठीक है, या तो हम इससे सॉल्व कर ले। तो यहां हम सीधे लगा देते हैं वन पाई प्लस वन प्लस, ये क्या हो जाता है फोर एक्स बटा टू, सीधे कर लेते हैं। तो अगर करेंगे तो एक प्लस ये कितना आ जाएगा, एक और ये कितना रूट में बारह, और ये कितना हो जाएगा बारह एक तेरह हो जाएगा, देख लो चार तीन बारह और तेरह, सॉरी बारह हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है, ये कितना होगा बारह होगा, यहाँ चार तीन बारह और बट्टा कितना दो, तो आंसर आ जाएगा वन प्लस रूट में तेरह बट्टा दो। या तो इसका मान रखिए तेरह का, रूट तेरह का तीन दशमलव छह समथिंग होगा, तो वो रखिए, या तो यही आंसर हो जाएगा। प्लस में रहा तो माइनस में रहा तो बाहर माइनस लगा रहेगा, ठीक है, बस यही है, प्लस माइनस रूट में। ठीक, तो ये क्लियर है, तो इसको आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, अगला हम लोग करने चल रहे हैं जो बेसिक वाला है, अभी बेसिक कर लेते हैं। जैसे मान लो अगला जो टाइप है वो है ये वाला, क्या, जैसे मान लो रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव और इंटू रूट फाइव डैश 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 कहां तक, अनंत तक दे दे, तो इसका मान जो अंदर होता है, जो अंदर होता है वही इसका क्या हो जाता है आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा पांच, इसका आंसर क्या हो जाएगा पांच। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना, हम पूरे को क्या मान लिए एक्स, तो ये बताओ एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा का पूरा समुद्र में से अगर एक निकल जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा एक्स, तो हम फाइव एक्स, एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स बराबर कितना आ जाता है पांच, एक्स बराबर कितना आ जाता है पांच। तो जो अंदर मान हो, जैसे मान लो यहां पे अगले आ गया मान लो रूट ग्यारह इंटू रूट ग्यारह इंटू रूट ग्यारह इंटू रूट ग्यारह इंटू रूट ग्यारह, अगर इस तरीके से दे दिया तो अब ध्यान से बात समझना, अब ये क्या है, कहां तक दे दिया अनंत तक, कहां तक दे दिया अनंत तक। तो ऐसी स्थिति में ये जो भी देगा वो आंसर यहां इसका क्या लगा देंगे हम लोग ग्यारह, ठीक है, सीधा आंसर जो भी रहेगा उसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे ग्यारह, बात क्लियर है। ठीक, अब अगला देखते हैं, जब यही लिमिट बार रहे, कितनी बार रहे लिमिट बार, अगला टाइप देखते हैं जब यही चीज लिमिट बार रहे, ठीक है, कितनी बार रहे सिर्फ लिमिट बार रहे, तब इस चीज को हम लोग कैसे डील करेंगे ये चीज देख रहे हैं। तो ये ऐसे अगर लिखते हैं और ये लिमिट मान लो रूट फाइव रूट फाइव रूट फाइव और रूट फाइव, क्या बार दे दिया चार बार। तो अब यहां एक रूल चलता है, वो रूल क्या है, पांच लिखेंगे जो यहां है उसको आधार में लिखेंगे और टू टू दी पावर यन माइनस वन अपॉन टू टू दी पावर यन, यन क्या है इसकी आवृत्ति जितनी बार आई हो, तो पांच है पांच दो कितनी बार आया एक दो तीन और चार, तो पांच और यहां दो पे पावर क्या लिखेंगे चार माइनस एक अपॉन दो पे पावर चार, तो पांच हो जाएगा चार, चार चार में से एक गया कितना हो जाएगा सोलह, सोलह में से एक गया पंद्रह, पंद्रह बटा यहां आंसर कितना आ जाएगा सोलह, क्लियर,
ठीक, ये तो बेसिक था। ठीक, अगला लिखिएगा, जैसे सपोज कर ले यही सवाल रहा और इसमें हम लोग कर दिए, अगर ये कर रहे हैं अब इसी में कर दिए, मान लीजिए कम बार है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमको करना है तो हम इसको अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ बोलो, हाँ 11 ले लेते हैं, 11 रूट में, 11 और रूट में 11, अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये प्रूफ करेंगे, तो हम पहले लिख लेंगे क्या आंसर आएगा, 11 लिखा 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, ये हमारा फिक्स है, ये करेंगे, तो हम 11 ले लिए, 2 पे कितनी बार आया 3, माइनस 1 अपॉन 2 पे पावर 3, तो 11 ये 8 8 में से गया 7 बटा 8, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे x, तो x मानेंगे तो ये x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर हुआ तो ये 11 हुआ और ये रूट में 11 और ये 12 हुआ, ठीक, फिर अगर हम करते हैं x का स्क्वायर यानी x पे पावर क्या लग जाएगा 4 और 11 पे पावर स्क्वायर लगेगा और एक 11 यहां से हटेगा तो ये आ जाएगा 11 आएगा और यहां क्या हो जाएगा रूट में 11, फिर हम अगर करते हैं एक x पे पावर कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान से समझना, जैसे स्क्वायर अगर अगेन करोगे पूरे का तो ये स्क्वायर आ जाएगा क्या 11 पे पावर 4 इंटू 11 पे पावर 2 और ये निकल के क्या हो जाएगा 11, तो हम यहां लिख सकते हैं x पे पावर 8 इज इक्वल टू 11 पे पावर 7। अब याद करो वो नियम, यहां से मुझे 8 हटाना है तो 8 हटाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 11 पे पावर 7 बटा क्या हो जाएगा दोनों तरफ 8 से क्या करना पड़ेगा पावर में डिवाइड, ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 7 बटा 8। कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो यही चीज हमको करना है, अगर स्क्वायर करना है तो हमको पूरे पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ये हटा ये रह जाएगा, बात क्लियर है, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। देखो घातांक करनी अभी खत्म नहीं हुआ, ये केवल फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, अभी इसका अभी हमको छोटा बड़ा सब पढ़ना है, तो फिर किसी दिन इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, आज केवल घातांक करनी चला, तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा, आपके एग्जाम से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग से बस अनुरोध है कि जो चैनल का नाम है मनीष मैथ्स, ठीक, इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ठीक है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं मनीष मैथ्स को उतना शेयर करिए, क्योंकि इसको आपको और हमें दोनों लोग को आवश्यकता है कि हम लोग इसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको हमें अपने चैनल को और आगे लेके चलना है, अभी तो शुरुआत है, मंजिल दूर है अभी, ठीक है, लेकिन हम आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, तो ये याद रखिएगा मनीष मैच को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो, हम ये नहीं कह रहे हैं आर्थिक रूप से सपोर्ट करो, बस तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो कहीं पढ़ रहे हो किसी दोस्त के साथ हो तो उसको एक बार रिकमेंड करो कि भाई एक बार वीडियो देखो, अगर तुम्हें पसंद आएगी तो पढ़ना, नहीं पसंद आएगी छोड़ देना, ठीक है, लेकिन एक बार जरूर देखो तुम वीडियो को, और हम लोग हर एक कंटेंट को बेसिक से पढ़ने का कोशिश करेंगे, ये घातांक करनी एकदम बेसिक से पढ़े हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा और इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, धन्यवाद।